Hello students, welcome back to CBSC Parshala. I am Anjali Malve, your English expert. So yes children, as we start learning in my chapter, my module book. But yes, before, I hope aapne ye jo app hai CBSC Parshala ye download kiya hua hai, because this is the app jo ki aapko sab kuch dega. Single platform hai, jahan pe aapko har ek subject ke har ek lectures, har ek chapters, ke notes, everything you will get, right? Question answers, assignments, thousands of things in a single platform. So make sure to to download this app and subscribe to our channel on YouTube and press the bell icon so that the notifications will be done. So let's get started quickly now. Hamara jo chapter hai aaj ka, wo kaafi interesting hai aur kaafi interesting. So ye hum hamare tarah se planet jo hai hamara, aaj hum uski baat karne wale hain. So hamara jo planet hai usko save karna is extremely important. क्यों? क्योंकि जो ये सारी चीजें हैं पॉल्यूशन है, तो सब हम टेंसी सब क्या करते हैं, हमारे एनवायरमेंट को खराब कर रहे हैं, हमारे प्लैनेट को खराब कर रहे हैं, और हमारी जो आने वाली जनरेशन है उसके लिए ये सारी चीजें काफी महत्वपूर्ण है. तब सो ये चैप्टर हमें उन्हीं के बारे में पढ़ना है एंड ये सारे जो चीजें हैं कि अर्थ में क्या क्या है, क्या क्या हो रहा है, इसके बारे में. This chapter is basically going to tell us the importance of our planet Earth. So chapter jo hai hamara the alien planet, the green moon. A green movement ki ek aisa kranti thi jisne sab kuch ekdam se badal ke rakh diya. Okay, matlab ye jo hamara nazariya hai, hamara wo logon ka jo nazariya hai environment ke prati and hamari planet ke prati, isko puri tarah se badal diya is revolution, this movement. So, आज हम इसी के बारे में पढ़ेंगे और जो हमारे ऑथर थे नैनी पाल के बारे में, सो हम इनके बारे में पढ़ने वाले थे इस चैप्टर में. सो वन कैन नॉट रिकॉल एनी मूवमेंट इन द वर्ल्ड हिस्ट्री व्हिच हैज ग्रिप्ड द इमेजिनेशन ऑफ द एंटायर ह्यूमैनिटी सो कंप्लीटली एंड सो रैपिडली एज अ ग्रीन मूवमेंट इन व्हिच स्टार्टेड न्यूली 25 years ago. Now see, अब नानी काल के बारे में उन्होंने एक्चुअली एक आर्टिकल लिखा था इंडियन एक्सप्रेस में जो पब्लिश भी हुआ था, वो था साल जिसमें उन्होंने लिखा था ये आर्टिकल, ये पूरा आर्टिकल. इट वॉज 1994. मतलब आज से तकरीबन एक साल पहले की बात है कि 1994 में उन्होंने ये पूरी चीजें लिखी थी एंड ये आर्टिकल लिखा था. सो उन्होंने जो ये बेसिकली ये जो बता रहे हैं कि अराउंड 25 इयर्स अगो ये मूवमेंट शुरू हुआ था द ग्रीन मूवमेंट. ठीक है, सो ये मतलब 1994 से 25 साल इस आज तो काफी 1994 और ये ग्रीन मूवमेंट कब स्टार्ट हुआ था इन द ईयर 1970. सो इट वाज इंपॉर्टेंट टू स्पीक सो 1972 में ग्रीन मूवमेंट स्टार्ट हुआ था. सो द वर्ल्ड्स फर्स्ट नेशनल वाइट ग्रीन पार्टी वाज फाउंडेड इन न्यूजीलैंड और ये कहाँ पे शुरुआत हुई थी, न्यूजीलैंड में हुई थी. सो सिंस देन द मूवमेंट हैज नॉट लुक बैक. और उसके बाद ये एक जो क्रांति इस मूवमेंट ने जो क्रांति उसने ले आई कि हम लोगों का एकदम नजरिया बदल गया हमारे इस एनवायरनमेंट की तरफ, हमें और ये हमारे एनवायरनमेंट की कितनी ज्यादा जरूरत है, हमारे इस प्लैनेट की कितनी ज्यादा जरूरत है. सो उसने एक पूरा नजरिया बदल के रख दिया. कहा हुआ था, न्यूजीलैंड में इन द ईयर 1972. So now we have shifted one force irrevocably from the mechanistic view to the holistic and ecological view of the world. Now see, ये जो हमारा जो ग्रीन मूवमेंट है इसने हमारा पूरा नजरिया बदल दिया कि हमारे जो प्लैनेट है ये जो प्लैनेट है ये मशीन नहीं है, ये जो अर्थ है ये मशीन नहीं है, ये क्या है, एक उसमें जान है, ये एक सच का सच है. ये जो हम देख रहे हैं हमारा जो प्लैनेट एक सच है, इसमें जान है. तो इसने पूरा नजरिया बदल के रख दिया. सो इट इज अ शिफ्ट इन ह्यूमन परसेप्शंस एज रिवोल्यूशनरी एज दैट इंट्रोड्यूस्ड बाय कोपरनिकस हु टॉट मैनकाइंड इन द 16th सेंचुरी दैट द अर्थ एंड द अदर प्लैनेट रिवॉल्व अराउंड द अर्थ. सो कोपरनिकस जो है अराउंड 16th सेंचुरी 16वीं सदी में उन्होंने बताया था कि ये जो दुनिया है ये क्या है, गोल है. सो उसी तरह से हमारा ये जो
रेवोल्यूशन है, ग्रीन मूवमेंट है, ये भी एक क्या लाया, एक पूरा चेंज ला दिया उसको लोगों के परसेप्शन. लोग जो पहले लगता था हमने की जो अर्थ है एक मशीन है, तो उसके साथ चाहे जो करो कि ये बिल्डिंग खराब नहीं होगा एंड इसको कोई इसमें जान नहीं है ना नहीं. बट आफ्टर दिस मूवमेंट लोगों को रियलाइज हुआ कि इसमें जान है, यू नो लाइक इसको भी संरक्षण करना इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो लोगों को बात की चीजें समझ में आई. So for the first time in human history, there is a growing worldwide consciousness that the earth itself is a living organism, an enormous being of which we are part. It has its own metabolic needs and vital process, which needs to be respected and preserved. So after 1972, the green movements ke baad se logon ko realize hua ki jo planet hai, ye bhi hamara ek living organism, isme bhi jaan hai. और जैसे हम एक ह्यूमन बीइंग है और हमारे अंदर क्या होता है, मेटाबॉलिज्म. मेटाबॉलिज्म का मतलब खाना खाओ, ठीक, खाने का ब्रेक डाउन होगा एंड उससे हमें एनर्जी मिलेगी, इस प्रोडक्ट अलग एनर्जी मिलेगी. सो उसी तरह से हमारा प्लैनेट भी है, एक जान है और इस जान को यू नो उसकी पूरी फंक्शनिंग को मेंटेन करने के लिए बहुत ज्यादा जरूरत है कि हम बहुत जागरूक बने उस प्लैनेट के लिए, उस जीव के लिए, लिविंग ऑर्गेनिज्म. Means a patient in decline health, we have begun to realize that our ethical obligations to be good stewards of the planet and responsible trustee of the legacy to future generation. Now, ये जो हमारा earth है, you know, आज जो ये signal दे रहा है, sign दे रहा है, ये दे रहा है, ये एक ऐसा patient है, ऐसा मरीज, ठीक, patient मतलब मरीज, एक ऐसा मरीज जिसकी जो health है वो खराब हो रही है, kind of मतलब खराब होती जा रही है और नीचे आती जा रही है. ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, यू नो, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम यू नो उसको मैनेज करें. स्टीवर्ड्स का मतलब टू मैनेज और टू लुक आफ्टर, मतलब ये जो प्लैनेट है हमारा, ये जो अर्थ है, इसको हमें देखना पड़ेगा, इसको मैनेज करना पड़ेगा. एक तरह से जैसे ट्रस्टी भी होते, मान लो एक बिल्डिंग है, ठीक, उसकी जो ट्रस्टी होती है उसको पूरा देख रेख करते हैं, लाइक अ ट्रस्टी, हमें उसका ध्यान देना पड़ेगा. इसके लिए फ्यूचर के लिए जो आने वाली जेनरेशन है, जो आने वाली पीढ़ियां है, जेनरेशन मतलब पीढ़ियां, ठीक, जो आने वाली पीढ़ियां है उनके लिए. सो द कांसेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाज ब्रॉट लाइफ इन 1980s by the World Commission on Environment and Development. Sustainable development ki ek concept hai, theek, to after this green movement aaya in 1987 aur isne usko you know concept ko laya tha World Commission on Environment and Development. Ab sustainable development kya hota hai, so the development that meets the need of the present without compromising the ability of the generation to meet. मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है, दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टर्म फॉर चीज इज अंडर दिस. सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब ऐसी डेवलपमेंट, ठीक, जो आज के लिए तो ठीक है, मतलब आज आपने कोई भी डेवलपमेंट कर ली, कोई कोर्स कर ली, कोई यू नो चीजें बना ली, तो आज के लिए आपने कर लिया, ठीक, बट वो जो डेवलपमेंट है वो हानिकारक तो नहीं हो रही है. हमारा जो भविष्य का जो पीढ़ी है, भविष्य में जो पीढ़ियां हैं कहीं उनके लिए ऐसा तो नहीं, क्योंकि ये कुछ बचे ही ना, आज ही सब डेवलपमेंट में लगा दिया, यू नो मतलब और फ्यूचर के लिए कुछ बचे ही ना. सो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब ऐसी डेवलपमेंट जो आज तो आप करो बट फ्यूचर को ध्यान में रखें, ठीक है, ताकि फ्यूचर जो है, जो भविष्य की हमारी पीढ़ियां हैं, अगर उनको कभी जरूरत पड़े सो दे कैन ऑल्सो फुलफिल देयर नीड, ऐसा नहीं कि उनके लिए कुछ भी नहीं बचाया. So that is without stripping the natural goal of resources future generation would need. Yes, तो मतलब ये जो natural resources जैसे पानी है, ठीक, तो ऐसा नहीं करो कि पानी से development इतना हम लोग कर ले, पानी को पूरी तरह से खत्म कर दे आज ही की generation, जब भी पानी बचे ही ना बचे की जीवन है भाई, right? So ये चीजें ध्यान में रखते हुए develop. So in the zoo at Lusaka, Zambia, there is a cage where the lotus meets the world's most dangerous animal. And inside the cage,
there is no one in your home when you see yourself. Exuberant is aapka mizaangya mein. Usme chuke, you know, ek cage. Cage ka matlab, you know, ek pindra hai. Cage ka matlab hota hai pindra. Theek, so us pindre mein likha hua hai bahar ki andar ek bahut hi khatarnak jaan hai. Aur jab insaan khol ke dekhta hai andar, to andar ek sheesha usko milta hai. Matlab us sheeshe mein khud ko dekhta hai. To matlab basically to bahar likha hai ki duniya ka sabse khatarnak janwar है डॉक्टर्स की आप को आप देखेंगे आप कोशिश तो आप इस एक जो इंसान है वो इस दुनिया का सबसे खतरनाक जानवर है. सो थैंक्स टू द रिपोर्ट्स ऑफ नंबर ऑफ एजेंसीज इन डिफरेंट कंट्रीज अ न्यू अवेयरनेस हैज नाउ ग्रोन अपॉन द मोस्ट डेंजरस एनिमल इन द वर्ल्ड. ही हैज रियलाइज्ड द विजडम ऑफ शिफ्टिंग फ्रॉम अ सिस्टम बेस्ड ऑन डोमिनेशन टू वन बेस्ड ऑन पार्टनरशिप. सो बहुत सारी ऐसी एजेंसीज हैं जैसे आप एनजीओ पढ़ते हो जो कि काम करते हैं जैसे पेड़ लगाओ एंड यू नो जो हमारे एक हमारे प्लांट को संरक्षित करें प्रिजर्व करें कंजर्व करें तो बहुत अच्छा काम करते हैं वो सारी एजेंसीज. सो उन्होंने भी काफी अवेयरनेस है ना इसका भी लोगों को समझाया है बताया है जागरूक किया है तो यू नो कि ये अब समय है कि हम कि जो हमारा जो खतरनाक जानवर है जो हम है यू नो कैसे हम यू नो एक स्टेप बैक ले सकते हैं और थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबल बन सकते हैं कि ये जो हमारा अर्थ है इसमें हमें राज नहीं करना है हमें एक साझेदारी में आके करना है. पार्टनरशिप का मतलब होता है साझेदारी और डोमिनेटिंग का मतलब होता है उसके पूरा घूम जाना पूरा वो तो वैसा नहीं करना एक साझेदारी में काम करना. सो साइंटिस्ट हैव कैटलॉग अबाउट 1.4 बिलियन लिविंग स्पीशीज विद व्हिच मैनकाइंड शेयर्स दी अर्थ. तो साइंटिस्ट कैटलॉग का मतलब होता है लिस्ट. कैटलॉग का मतलब होता है लिस्ट. तो उन्होंने लिस्ट किया है कि अबाउट 1.4 मिलियन यूनिक स्पीशीज हमारे साथ इस प्लैनेट पे. तो मतलब ये जो प्लैनेट है अर्थ इसमें सिर्फ हम अकेले नहीं है हमारे साथ साथ और भी बहुत सारे यू नो ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो हमारे साथ इस प्लैनेट पे सर्वाइव करते हैं चाहे वो प्लांट हो बैक्टीरिया हो चाहे फंजाई हो चाहे एनिमल हो सब कि सब हमारे साथ इस प्लैनेट पे एक तरह से हम शेयर करते हैं उनसे ये प्लैनेट. तो इस प्लैनेट पे सिर्फ हमारा हक है ये कहना बिल्कुल भी गलत है बिल्कुल भी हमारा हक नहीं है. इनफैक्ट अगर आपने बायो में एवोल्यूशन पढ़ा है तो वो हमारे से पहले आ चुके हैं इस प्लैनेट. तो देखा जाए तो हम जो है यू नो बहुत बाद में हक पहले उनका बनता है हमारा तो बहुत बाद. सो एस्टिमेट वैरी वाइडली एज रिगार्ड्स आर स्टिल अनकैटलॉगिक लिविंग स्पीशीज. Biologists record that about 300 to 100 million living species is still languish unnamed in enormous numbers. I'm not saying इतना तो list किया है, but scientists ये भी कहते हैं कि ऐसे बहुत सारे species हैं जिनको अभी तक list ही नहीं, uncatalogued का मतलब होता है list नहीं किया गया, और you know calculate भी नहीं किया गया, और उसके बाद उन्होंने ये बताया कि ये जो नंबर है कहीं ज्यादा है अभी भी ऐसे बहुत सारे हैं जो क्योंकि डिस्कवरी की तो भी अभी तक नहीं करना है यू नो एंड वो अभी भी उनका जो नाम है वो उस लिस्ट में गायब है एंड वो एक अंधेरे में है. सो वन ऑफ द अर्ली इंटरनेशनल कमीशन व्हिच डेल्ट इंटर एरिया विद द क्वेश्चन ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट वाज द Brandt Commission, which has had a distinguished Indian as one of its members, Mr. L.K. Jha. So, Mr. L.K. Jha, a member, a commission, a you know, a committee, the L.K. Brandt Commission, uske member hai Mr. L.K. Jha. L.K. Jha. So, उन्होंने कहा कि you know ये जो है उन्होंने basically एक commission गढ़ा गया ecology environment के ऊपर जिसमें Indian के भी एक नो एक एक मेल जो है वहां पे एक मेंबर बना हुआ. सो देखो सो द फर्स्ट ब्रांड रिपोर्ट अब रिपोर्ट में क्या आया सो रेज द क्वेश्चन आर वी लीव आर सक्सेसेस अ स्पॉट प्लैनेट ऑफ एडवांसिंग रिसोर्स इंप्रोवाइज लैंडस्केप एंड लिविंग एनवायरमेंट. सो फर्स्ट जो रिपोर्ट आई यू नो जो पहली रिपोर्ट थी उसमें हमने बोला कि क्या हम सच में हमारे जो सक्सेस हमारे जो आने वाली जनरेशन है उनके लिए क्या बचा रहे हैं
क्या छोड़ रहे हैं इस प्लैनेट पे, हमारे बाद जब हमारी जो अगली जनरेशन आएगी उसके लिए क्या छोड़ रहे हैं, क्या हम ये छोड़ रहे हैं कि सारा के सारा जो हमारा लैंड है वो डिजर्व बन गया, क्या हम ये छोड़ रहे हैं कि हमारा जो पूरा लैंडस्केप है जो पहाड़ है हमारी जो नदियां है हमारा जो लैंड है क्या है बहुत ही पुअर कंडीशन में हम छोड़ रहे हैं, और हमारे जो एनवायरमेंट हमारा जो प्रकृति है जो प्रकृति है उसकी एक बहुत ही खराब हालत है, दयनीय हालत है। सो मिस्टर लेस्टर अब्राहम इन हिज थॉटफुल बुक द ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट फाउंड पॉइंट आउट दैट द अर्थ प्रिंसिपल्स बायोलॉजिकल सिस्टम आर सो एक बुक है उसमें ये मेंशन किया गया है कि इस प्लैनेट अर्थ का चार सिस्टम है, तो चार आप समझ लो जैसे एक चेयर पे आप बैठते हो उसके चार पाव होते हैं चार पैर होते हैं, एक भी पैर गया तो आप गिर जाओगे आप नहीं गिर पाओगे, उसी तरह से हमारे इस प्लैनेट के भी चार यू नो पैर होते हैं, फिशरीज फॉरेस्ट ग्रासलैंड एंड द क्रॉप्स एंड दे फॉर्म द फाउंडेशन ऑफ द ग्लोबल इकोनॉमिक सिस्टम, और ये चारों ही स्तंभ हैं पिलर्स हैं इसके ग्लोबल इकोनॉमिक सिस्टम की, ये जो हमारा जो हमारा हम जो हमारे पैसे हैं हमारे जो पूरा इकोनॉमिक पावर है ये इसी पे टिका हुआ है, चाहे हम क्रॉप्स की बात करें चाहे हम हमारे खेतों की बात करें या फिर जंगलों की बात करें या मछली जो फिशरी की बात करें, सो इन एडिशन टू सप्लाई ऑफ दीज फोर सिस्टम प्रोवाइड वर्चुअली ऑल द रॉ मटेरियल्स फॉर द इंडस्ट्री एक्सेप्ट मिनरल्स एंड पेट्रोलियम डेराइव्ड सिंथेटिक, तो ये जो चारों हैं ये हमारा जो पूरा इंडस्ट्री है उसको रॉ मटेरियल दे रहा है ना, मतलब जैसे मान लो कि आप पान फूड खाते हो तो ये आटा जो आप खरीदते हो वो कहाँ से आया, वो क्रॉपिंग से तो आया खेतों से तो आया है ना, तो ये एक पूरा स्तंभ है, और अदर देन पेट्रोल और मिनरल्स तो आपको खदानों में मिलता है या फिर अर्थ प्रस्तुत मिलता है, सो अदर देन दीज जो बाकी सारे जो भी आप यूज कर रहे हो कहीं ना कहीं ये सारा रॉ मटेरियल हमें इन्हीं चारों किसके तरफ अनसस्टेनेबल, मतलब आज के युग में उसको पूरी तरह से खत्म कर रहे हैं, आने वाले दिनों के लिए कुछ नहीं ले छोड़ रहे और आने वाले दिनों में जो प्रोडक्टिविटी है वो कैसी होने वाली है और भी खराब होने वाली है, सो व्हेन दिस हैपेंस फिशरी कोलैप्स फॉरेस्ट डिसअपीयर ग्लास एंड सार्क बोर्डिंग बैरन वेस्ट एंड्स एंड क्रॉपलैंड्स डिटोरिएट, नाउ ये कहा गया था कि अगर ये सच में हो जाएगा पूरी तरह से अगर ये हो जाएगा जो कि पूरी तरह संभव है कि उसी रास्ते पे है, सो कहीं ना कहीं तो फिशरीज वो सब कुछ मर जाएंगे खत्म हो जाएंगी, जो हमारे जंगल है वो खत्म हो जाएंगे, जो ग्रास लैंड है वो कन्वर्ट हो जाएंगे बेयर वेस्टलैंड, बेयर वेस्टलैंड मतलब वो खाली बंजर जमीन कुछ इस तरह से, तो जो आज हरियाली है कल को ये तरह से बंजर हो जाएंगे, जहाँ पे क्रॉप उगाना जहाँ पे खेती करना नामुमकिन हो जाएगा, तो यहाँ तक पहुंचने से पहले ही हमें जरूरी है कि हम इसको रोक लें अपना रुख मोड़ लें सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ आगे बढ़े। सो इन अ प्रोटीन कॉन्शियस एंड प्रोटीन हंग्री वर्ल्ड ओवर फिशरी इज अ वेरी कॉमन एवरीडे पुअर कंट्रीज लोकल फॉरेस्ट आर बीइंग डिक्रिमिनेटेड फायरवुड फॉर कुकिंग इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस फायरवुड फॉर द नाउ क्योंकि देखो मछलियों में प्रोटीन और ये जो दुनिया है ये प्रोटीन रिच डाइट चाहती है, उसके खाने में प्रोटीन उसके लिए वो क्या कर रही है मछलियों को पकड़ रहे हैं, तो लोग जितना ज्यादा डिमांड बढ़ेगी उतना ज्यादा लोग पकड़ेंगे मछलियों को उनकी बिक्री करेंगे, सो कहीं ना कहीं ये क्या कर रहा है हमारे जो फिशरीज है उसको खत्म कर रहा है, साथ ही साथ जो गरीब देश होते हैं वहां पे जो जंगल है तो उसमें जो लकड़ियां है उसको जलाया जाता है किसके लिए खाना बनाने के लिए, इन सम प्लेसेस फायरवुड हैज बिकम सो एक्सपेंसिव दैट व्हाट गोस अंडर द पॉट नाउ कॉस्ट मोर देन व्हाट गोस इनसाइड इट, नाउ मतलब कुछ जगह हमें इतनी ज्यादा मारामारी है लकड़ी को लेकर के
लकड़ियां जो होती है वो क्या जलाने के लिए काम आती है, उसके ऊपर जो पॉट, उसके ऊपर आप जो बर्तन रखते हो उसमें खाना रखते हो। इसमें ये कहा गया है कि हालात ऐसे हो गए जो खाना है उसके अंदर उस बर्तन के अंदर वो सस्ता है, लकड़ियां नीचे लगती है पॉट के ऊपर, बर्तन के नीचे जो लकड़ियां लगाती है वो महंगी हो गई है। Since the tropical forest is in the course of the autumn years, the powerhouse of evolution, several species of life faces extinction as a result of destruction. Now, ये जो हम आगे बढ़ रहे हैं इस पाथ में, कहीं ना कहीं बहुत सारे जो ऑर्गेनिज्म उनकी जो जिंदगी है उसको खत्म कर रहा है। एक्सटेंड का मतलब होता है एक्सटेंशन का मतलब विलुप्त होना। लेकिन बहुत सारी स्पीशीज हैं आपने पढ़ा भी होगा कि जो आज विलुप्त हो चुकी है ऑलरेडी, और भी बहुत सारी हैं जो पाथ क्योंकि यही बोला। It has been well said that forest is the mankind reserve for it. The world's ancient patrimony of tropical forest is now eroding at the rate of 40 to 50 million acres in floods and growing use of drums that for burning deprive the soil of an important natural fertilizers. Now see, so जो ये हमारे विश्व का जो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है ना, जो कि हमें मिल रहा है एक तरह से जेनरेशन टू जेनरेशन आगे मिल रहा है, वो क्या हो रहा है एरोड, एरोड का मतलब हो रहा है उसका जो जमीन हो कहीं ना कहीं वो अपना जो फर्टिलिटी है उसको खो रहा है। जैसे आप देख रहे हो ये हरा भरा है, कल को ये ऐसा हो सकता है क्योंकि ये किसी पार्ट पे एकदम मंजर हो सकता है, विच इज पॉसिबल। एंड क्यों पॉसिबल है, उसमें काउ डंग, सॉरी इसमें डंग का एग्जाम्पल, डंग का मतलब होता है जो जो एनिमल्स है ठीक है, तो उनका जो खाद पदार्थ का जो एक्सक्रीशन तो ये हम लोग इसको जला रहे हैं, इसको बर्निंग में यूज कर रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं क्या है हमारे नेचुरल फर्टिलाइजर्स ठीक है, ये क्या है खाद है, पर खाद के बजाय हम उसको जलाने में इस्तेमाल कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वो खाद नहीं मिल रही है हमारे इस लैंड को, हमारी जमीन को, तो वो बंजर हो सकती है। तो वर्ल्ड बैंक एस्टिमेट्स दैट a fivefold increase in the rate of forest planting is needed to cope with the expected fuel for demand in the year 2000. Now see, the World Bank है, एक उसने बोला है कि fivefold का मतलब 5x, मतलब हमें double triple नहीं impact पांच गुना करना होगा, increase करना होगा rate को forest planting, मतलब जो plant हम कर रहे हैं जो पेड़ लगा रहे हैं जो आज के समय मतलब 1994 की बात है, अगर हम जो आज पेड़ लगा रहे हैं अगर उस स्पीड से लगाएंगे तो कुछ नहीं होगा, तो इसका पांच गुना लगाना पड़ेगा ताकि हम 2000 तक पूरा डिमांड को पूरा कर पाए, दो हजार पर हुआ नहीं हुआ ऐसा आई एम श्योर कि आज भी ये सारी चीजें 2021 आज भी ये चीजें क्या है काफी चिंताजनक। So James Speed, the president of World Resource Institute, said the other day, we were saying that we are losing the forest at an acre a second, but it is much closer to an acre and a half to pieces. मतलब ऐसा नहीं कि एक सेकंड में हम खो रहे हैं, बट आधे सेकंड में हम अपना एक एक खो रहे हैं, समझ रहे हो? सो यस, बहुत ही गंभीरता का विषय है ये, एंड इसके आगे जो नेक्स्ट पार्ट इस चैप्टर का हम करेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में, आई होप कि समझ आए हो एंड हमारे स्टूडेंट को भी गंभीरता से लेंगे, बहुत अच्छा थैंक यू ये कि है हमारा जो आज और हमारा फ्यूचर सिर्फ इसी प्लैनेट में, हम अपने घर को तो बचाते हैं बट एक्चुअली हमारा घर है ये अर्थ, ये प्लैनेट, उसको भी बचाना बहुत जरूरी है, राइट? सो मेक श्योर टू ऑब्जर्व इट, अपना योगदान दे, बहुत कुछ नहीं कर सकते आप बट एटलीस्ट आप एक पेड़ लगा सकते हैं ये आपके बस बहुत बड़ी बड़ी बातों से अच्छा एक छोटा सा पेड़ हम लगा दें, राइट? जिससे हमारा जो प्लैनेट है उसको एक हेल्प मिलेगा। सो यस चिल्ड्रन, इफ यू हैव एनी क्वेरी एनी क्वेश्चन यू कैन सिंपली कॉन्टैक्ट अस ऑन दिस नंबर एंड यस
हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर. आप मेरे बारे में जानते हो, विजन पॉइंट के बारे में जानते हो, इतने लेक्चर्स पढ़ चुके हो यार. अब तो अपना थर्ड चैप्टर चल रहा है, वो भी खत्म होने पे. आज हम लोग ग्राफ की बातें करेंगे. मेरे बारे में आप सब जानते हो, कोई फर्दर इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है. तो सब ऐसे ही चलता है, रहता है, ठीक है यार. थोड़ा बहुत मार्केट वार्केट है, चलता है. तो अपना चैप्टर कौन सा चल रहा है? मोशन इन स्ट्रेट लाइन चल रहा है यार. दिस इज चैप्टर नंबर 3 या लेक्चर नंबर 4 है. बहुत सारी बातें करेंगे आज हम लोग. अब मजा आज की क्लास में इसलिए आएगा ना, क्योंकि आज एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं, वो है ग्राफ. ग्राफ ये मेरा पर्सनल फेवरेट है. रीजन है यार, ग्राफ को अगर आप समझ गए तो ग्राफ तो बहुत सारे समस्याओं का हल है. और अगर ग्राफ नहीं समझ में आया तो यार ग्राफ खुद में एक समस्या है, ठीक है. तो ध्यान रखिएगा, मेरा अपना बेस्ट ट्राई होगा आपको समझाने का. आई होप आप बेस्ट ट्राई करोगे समझने का. तो आज की क्लास में क्या चीजें हैं, जो इक्वेशन ऑफ मोशन हम लास्ट लेक्चर में पढ़े हुए हैं, आज उसके कुछ और क्वेश्चन करेंगे. कुछ और काफी न्यूमेरिकल हम लास्ट क्लास में ऑलरेडी लगाए हुए हैं, एक दो और करते हैं, थोड़ा सा ना फ्रेशनेस आ जाती है, बढ़िया मजेदार. और ग्राफ छोटा लेक्चर है लेकिन दमदार लेक्चर होगा, ठीक है. So, पहला न्यूमेरिकल, अ बॉल इज अलाउड टू फॉल फ्रॉम टॉप ऑफ अ टावर 200 मीटर हाई. अब देखो, एक टावर है जिसकी हाइट कितनी, 200 मीटर. एट द सेम इंस्टेंट अनदर बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, ठीक है, फ्रॉम बॉटम ऑफ अ टावर विद वेलोसिटी 40 मीटर पर सेकेंड. एक बॉल को नीचे फेंका गया, ड्रॉप किया गया, इनिशियल वेलोसिटी 0 है. दूसरे को ऊपर फेंका गया, इनिशियल वेलोसिटी 40 है. वेयर द टू बॉल्स मीट, इज रियली दे मीट और नॉट, सबसे पहला क्वेश्चन तो ये. तो भाई साहब क्यों नहीं मिलेंगे, सबसे बड़ी बात. यहां से इसको फेंका, यहां से इसको फेंका, दोनों यहां पे बीच में आके मिल गए. ये काम तो अपना 100% तय है, ये होना ही होना है. तो चलिए कुछ चीजें मान के चलते हैं. हम यहां पे मानेंगे क्या, मान लीजिए दोनों बॉल्स हमारी यहां पे मीट कर रही हैं. मान लीजिए जमीन से इसकी डिस्टेंस कितनी, x है,